वेल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ पेंट मिक्सिंग। तो पेंट मिक्स कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये है एशियन पेंट का यूनिवर्सल पेंट स्टेनर। तो ये 70 रुपीज़ है फॉर 100 ml। तो इसको आप इमल्शन पेंट और इनामेल पेंट पे यूज़ कर सकते हो। और ये इनामेल पेंट में इतना अच्छा से काम नहीं करता, इतना ज़्यादा डार्क नहीं होता जैसा इमल्शन पेंट में होता है। और मैं इस वीडियो में इनामेल पेंट में दिखा रहा हूँ कैसे होता है। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ एपकोला सेटिन इनामेल। तो सेटिन इनामेल मतलब ये इतना ग्लॉज नहीं करता, ये थोड़ा मैट फिनिश टाइप का होता है, सॉफ्ट सीन टाइप का। तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए पेंट का थोड़ा डिटेल्स। तो इसका प्राइस 324 है MRP फॉर 1 लीटर। तो अभी मैं इसमें पेंट मिक्स करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बाल्टी में डाल लेते हैं पेंट को। तो हम लोगों को अभी चाहिए भी नहीं इस टेबल के लिए, 400 टू 5 ml चाहिए अभी के लिए। तो अभी इसमें 400 टू 5 ml डालेंगे, उसमें स्टेनर डालेंगे। तो पेंट एक बार देख लीजिए, पेंट में ग्लॉज नहीं है, थोड़ा पाउडर टाइप का लग रहा है पेंट, जैसे इमल्शन पेंट होता है वैसा लगता है ये पेंट दिखने में, मगर इसका सेंट तो पूरा इनामेल जैसे ही होगा। और ये पेंट थोड़ा मॉडर्न टाइप का लगता है अगर आप इसको फर्नीचर पे लगाते हो। तो जो ग्लॉस है वो पुराना टाइप का ही है। और अभी इसमें हम लोग डालने वाले हैं स्टेनर। तो स्टेनर डालेंगे हम लोग सीरिंज यूज़ करके। तो सबसे पहले सीरिंज में थोड़ा थोड़ा करके डाल के देखेंगे कैसा होता है, मतलब पूरा हिसाब में डालेंगे। तो इसलिए सीरिंज यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 ml डाल के देखेंगे यहाँ पे। 2 ml में इतना गाढ़ा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही लाइट होता है। तो इसके लिए टोटल डालना पड़ेगा शायद मोर देन 20 ml। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसा हो रहा है थोड़ा सा पेंट से। तो इसको अच्छा से मिक्स करना पड़ता है, बाद में इसको फोर्क यूज़ करके मिक्स कर देंगे, जिससे ऑमलेट मिक्स करते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही पेंट है, उसमें ड्रिल मशीन लगा के मिक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फाइनल आ गया 30 ml पेंट। तो एक बार देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रंग करने के लिए, गार्बेज उठाने का वो चीज़। तो पेंट का कोई ट्रे नहीं था रोलर लगाने के लिए, तो इसी से यूज़ कर रहे हैं। और ये रोलर जो देख रहे हैं ये सस्ता वाला रोलर है, तो इससे यूज़ करने से एक्सेल टाइप का हो जाता है, एकदम प्लेन नहीं होता। तो ये सस्ता वाला रोलर एक बार देख लीजिए, फिर भी इससे काम हो जाता है। तो पहले पता नहीं था ये प्रॉब्लम होगा, बाद में पता चला इसमें स्मूथ नहीं होता, उस वो रोलर और भी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो एक बार देख लीजिए, अभी ग्रे पेंट हो रहा है और अच्छा शेड भी आ गया। और हम लोग जो नेक्स्ट शेड यूज़ करेंगे उसमें और 10 ml ज़्यादा मिक्स कर देंगे, तो ज़्यादा ग्रे हो जाएगा। तो सेकेंड कोट में आप डार्क पेंट यूज़ कर सकते हो सेम टोन पे, मगर लाइट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा डेड डेड टाइप का आएगा कलर। तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए कैसा रोलर से पेंट हो रहा है, और बहुत कम टाइम में रोलर से पेंट हो जाता है। तो ये फर्स्ट कोट हो रहा है अभी, और आप लोग थोड़ा थोड़ा देख ही सकते हैं ये एक्सेल टाइप का हो रहा है जो पेंट हो रहा है। और ये टेबल पे पेंट किया गया क्योंकि ये एकदम कम कॉस्ट में टेबल बनाया गया है, और लुक थोड़ा बेकार लग रहा था इसलिए पेंट करके इसको थोड़ा अच्छा बनाया गया है। तो देख लीजिए कैसे रोलर से पेंट करते हैं, उसका बाद में फिर से दिखाऊंगा आपको सेकेंड कोट करने का वीडियो। तो देख लीजिए कैसे स्मूथली कर रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड कोट और भी डार्क है, 10 ml और मिक्स किया, मतलब पहले यूज़ किया अराउंड 200 ml, तो बाकी 200 ml में 10 ml मिक्स कर दिया स्टेनर, और भी डार्क हो गया। और देख लीजिए अभी डार्क सेट इसमें पूरा अच्छा से ग्रे आ रहा है, सीमेंट वाला कलर। और एक बार लुक देख लीजिए क्लोज, और मैं आपको इसका फुल लुक भी दिखाऊंगा। तो मैं थोड़ा टाइमलेस वीडियो लगा के रख दूंगा यहाँ पे, जो आप लोग देख सकते हो, पूरा वहाँ पे कम टाइम पे आ जाएगा पूरा इस टेबल पेंट करने का वीडियो। और ये टेबल में पेंट करने के लिए अराउंड 15 मिनट लगता है रोलर से अगर आप करते हो तो, और ब्रश से करने जाओगे तो भाई फटेगा पूरा, मोर देन 2 आवर लग जाएगा ब्रश मारने से। तो ब्रश से एकदम बेकार होता है और स्मूथ भी नहीं होता, लाइन लाइन आ जाता है। यहाँ पे देख लीजिए कितना जल्दी हो रहा है। Oh.
तो गाइस यहाँ पे एक बार देख लीजिए इस पेंट का लुक। तो ये पेंट में इतना भी ग्लॉस नहीं है, अगर बाहर से लाइट आ रहा है तो ग्लॉस लग रहा है देखने में। ये पकड़ने में भी थोड़ा मैट फिनिश है और मैट फिनिश टाइप का है थोड़ा पेंट, तो इसमें ग्लॉस नहीं होता है। ये पेंट आप दरवाज़ा पे आराम से यूज़ कर सकते हो, तो अच्छा एक लुक आता है इस पेंट को यूज़ करने से और लगता है ब्रांडेड डोर है। तो इतना अच्छा लुक नहीं आया रोलर से क्योंकि रोलर प्लेन नहीं था, अगर प्लेन होता तो और भी स्मूथ होता रोलर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए।